गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओपन्स एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस करूंगी इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नो अदर देन कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे एग्जामिनेशन है जहां पे इस पार्ट को स्पेसिफिकली उसको लिखा जाता है, सो डेफिनेटली इन चीजों को निग्लेक्ट नहीं किया जाता। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स के दिमाग में यही रहता है कि मैम ये ऐसा टॉपिक है जो जिसकी हम जितनी प्रेपरेशन कर लें उतनी कम है, सो इट्स बेटर कि अगर हम इसको निग्लेक्ट कर दें या इसकी प्रैक्टिस ही ना करें। तो वहां पे मेरा एक ही आंसर होगा, जब तक आप लोग इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को क्लैरिटी नहीं होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर आने के चांसेस रहते हैं। मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज के पार्ट में चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को लेके क्वेश्चन हो या फिर हमारे जो ऑथर है या राइटर है उसके मूड को लेके या पूरे के पूरे जो आप लोगों की राइटिंग है पैसेज है उसके टाइटल को लेके क्वेश्चंस हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से हमें क्लैरिटी हो जाती है कि कम से कम दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आस्क। अगर क्वेश्चन की टाइप के बारे में पहले से पता होगा सो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आर टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के साथ। मैंने बहुत बार बताया था लेक्चर्स में कि आप लोगों को पूरे पैसेज को एक बार क्विक रीडिंग देनी पड़ेगी। बहुत बार स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे, अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं तो वहां पे दिक्कत आती है स्टूडेंट्स। दिक्कत क्या आएगी कि वहां पे हम लोगों को अब उसका एग्जैक्ट मूड क्या है, उसका एग्जैक्ट वो कहना क्या चाहता है वो नहीं समझ में आता। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोगों को सारे के सारे आंसर वर्ड टू वर्ड मिले, सो वी आर सपोज टू सर्च फॉर द आंसर्स। आंसर को तभी सर्च किया जाएगा अगर एक बार पूरे पैसेज को गो थ्रू करेंगे। तो चलिए जल्दी से एक क्विक रिविजन लेंगे हम लोग अपने पैसेज की। क्लियरली पता चल रहा है पहले ही वर्ड्स के कि जो हमारा पैसेज है दैट इज एग्जैक्टली अबाउट मस्किटोज, तो यहाँ पे मस्किटोज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मस्किटोज कैन ट्रांसमिट पैथोजेंस, या आप लोगों के क्या है ट्रांसमिट करने वाले मतलब बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस, उस कैटेगरी को नाम दिया जाता है। दैट कॉज मेनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज मलेरिया येलो सॉरी मलेरिया येलो फीवर डेंगू फीवर चिकनगुनिया एंड जीका फीवर। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने आई गेस सिक्स्थ सेवेंथ क्लास से जब अपने स्कूल टाइम में आप लोगों ने ये चीजें स्कूल टाइम में सीख रखी होती हैं कि बेसिकली ये पैथोजेंस हैं और ये इन इन बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। मेनी ऑफ द डिजीजेस कैन बी फिजिकली डिवास्टेटिंग एंड इवन फेटल, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इनसे होने वाली हैं जो कि पर्सन को फिजिकली डिवास्टेटिंग कर देंगी मतलब उसको डिपेंडेंट कर देंगी और बहुत ही घातक साबित भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ओवर 200 मिलियन न्यू केसेस ऑफ मलेरिया न्यू ईयर, हर साल मलेरिया के 200 मिलियन से ज्यादा केसेस आएंगे पूरे वर्ल्ड की बात करें तो, रिजल्टिंग इन ओवर 4 लाख डेथ्स। अगर 200 मिलियन हमारे केसेस आएंगे तो कम से कम उनमें से 4 लाख डेथ तो ऑलमोस्ट रहती रहती है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर अंडर द एज ऑफ 5, जो बच्चों की डेथ होती है इसी बीमारी से वो हमेशा 5 साल से छोटे, क्योंकि बहुत छोटी एज में अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज दैट सच केस। जीका फीवर इज कॉज्ड बाय वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कैसे फैलाया जाएगा, वायरस ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमंस को प्राइमरली बाय द बाइट ऑफ एडिस एगेप्टिविटी मॉस्किटोज, ये आप लोगों को एक मॉस्किटो की टाइप दे रखी है एडिस एगेवची जो मॉस्किटोज है उसी के थ्रू ये बीमारी है जो आप लोगों को ट्रांसमिट हो जाती है ह्यूमंस में। सिम्टम्स इन इन्फेक्टेड ह्यूमन एडल्ट्स आर टिपिकली माइल्ड, इसके सिम्टम्स बहुत ही हल्के लगेंगे बहुत माइल्ड लगेंगे, बट द इफ द वायरस इन्फेक्ट्स अ प्रेग्नेंट वुमेन, लेकिन अगर यही वायरस किसी प्रेग्नेंट वुमेन में चला जाएगा इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द डेवलपिंग फिटस, जो डेवलप होने वाला है फिटस उसके पेट में है जो आने वाला बच्चा है उसके ब्रेन को उसके ब्रेन की डेवलपमेंट को उसकी ग्रोथ को बहुत ही बड़ा इफेक्ट करने वाली है, कॉजिंग अ कंडीशन कॉल्ड एज माइक्रोसिफेली। तो यहाँ पे एक बीमारी को आगे फर्दर बताया गया है कि माइक्रोसिफेली नाम की एक डिजीज है जो यहाँ पे हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया तो जो उसका न्यू बॉर्न होने वाला फिटस है जो डेवलपिंग स्टेज में है वहां पे ये चीज आप लोगों को ये बीमारी डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी।
टू रिड्यूस अ नंबर ऑफ एजेपेटी मिस्किटोज दैट मे कैरी द जीका फीवर, रिसर्चर्स एट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कॉल्ड ऑक्सीटेक। अब इस बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। सॉल्यूशन निकालने वाली बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का नाम क्या है? दैट इज ऑक्सीटेक। देखते हैं उसने अभी तक क्या किया। हैव प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एडीज एजेप्टी मस्किटोज दैट व्हेन रियलाइज्ड, दैट व्हेन रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड मेट विद वाइल्ड मस्किटो एंड एनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड डाई बिफोर बिकमिंग एडल्ट्स। अब देखिए इन कंपनी वालों ने क्या किया, आई होप आप लोगों को ये लाइन समझ में आएगी। उन लोगों ने एक मिक्स ब्रीड, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड को रेडी किया, दैट इज योर एडीज एजेप्टी मस्किटोज, जिसको जब भी रिलीज किया जाएगा छोड़ दिया जाएगा वाइल्ड मेट के साथ, उनके उनके साथ वाइल्ड मेट्स के साथ, तो वहां पे वाइल्ड मस्किटोज के साथ मिलके जो भी उसके ऑफस्प्रिंग है, मतलब आने वाले बच्चे हैं, वो पहले ही मर जाएंगे, वो एडल्ट्स नहीं बन पाएंगे। मतलब यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड, एक हमारी तरफ से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटो है उसको रेडी किया गया ताकि उसका मेट हो सके किसी भी और वाइल्ड मस्किटो के साथ। उसके बाद जो भी उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होने वाले हैं वो अपने आप में एडल्ट्स बनते नहीं है क्योंकि वो उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बेसिकली समझ में आ रहा होगा कि ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि जो आगे की इनकी फर्दर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ना हो जाए। पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए तो ये हमारा स्टेप लिया गया था। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। नेक्स्ट पार्ट से कहां पे थे हम लोग, हाँ जी यहाँ पे, द फ्लोरसेंस जीन इज यूज टू जीएम मस्किटोज। इस जीन को यूज किया गया है हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटो में। द लिथेलिटी जीन विच इज मोर एक्यूरेटली कॉल्ड टेट्रासाइलिन ट्रांसली प्रेपरेशनल एक्टिवेटर वेरियंट encodes a protein that blocks the transcription of, एक वर्ड है important, transcription of several other genes that are essential to mosquito development। तो हमें यहां से इस चीज का पता चलेगा, GM mosquito larvae that produce the TTAV प्रोटीन डाई बिफोर रीचिंग मैच्योरिटी, बताया था उसको मैच्योरिटी तक पहुंचने से पहले ही मार दिया जाता है। हाउएवर द TTAV प्रोटीन कैन नॉट प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर जीन्स व्हेन इट इज बाउंड टू द एंटीबायोटिक टेट्रासाइलिन। हालांकि उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं जिसके बारे में बताया गया। एक वर्ड है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको फिर से यूज किया गया। जब भी कोई वर्ड इसी तरीके से दो बार यूज किया जाए, आप लोगों को साथ के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये हमारा वर्ड है ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर तो इसका मीनिंग पता था तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पता होना चाहिए। किसी भी चीज की कॉपी की बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट की बात कर रहे हैं, या किसी भी चीज के प्रूफ की बात कर रहे हैं, उसको लिखित में जो चाहिए उसी की बात कर रहे हैं। देयरफॉर द टेट्रासाइलिन एक्ट्स एज अ रिप्रेसर ऑफ द लिथालिटी जीन और इन अदर वर्ड्स इट्स एंटीडोट। अब इसी का ये एंटीडोट बनाया है, समझ में हर किसी को आता होगा। ये तो आप लोग बहुत जनरल एक सिनेरियो में पढ़ भी रखा होगा कि जब भी कोई डिजीज आएगी, हमेशा उस वायरस के लिए या उस डिजीज के लिए उसी का एंटीडोट बनाना बहुत जरूरी है। इन द लैब द जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो लार्वे आर रियर्ड इन वाटर कंटेनिंग, रियर्ड होगा किसी चीज की पैदावार होना, उसको कैसे करवाया जाता है एक लैब में, इन वाटर कंटेनिंग टेट्रासाइलिन एंड डेवलप नॉर्मली इनटू एडल्ट मस्किटोज। एडल्ट मस्किटो डेफिनेटली जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटो है उसको कैसे रेडी किया जा रहा है उसी के बारे में बताया। व्हेन एडल्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज आर रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड एंड ब्रीड विद वाइल्ड, जब उनकी ब्रीडिंग होगी वाइल्ड किसी और मस्किटो के साथ, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज देयर ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट द लिथालिटी जीन। तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, बताया था लास्ट टाइम भी कि उनकी ग्रोथ ही नहीं होगी, उनकी मैच्योरिटी ही नहीं होगी, बहुत ही जल्दी वो चीजें खत्म हो जाएंगी, दे विल डाई, डेफिनेटली उनकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रोथ होगी तभी तो वो आगे 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 जाके बैक्टीरिया या वायरस प्रोड्यूस करेंगे। सो विदाउट टेट्रासाइलिन इन द एनवायरमेंट टू प्रोटेक्ट देम द ऑफस्प्रिंग डाई। तो जो टेट्रासाइलिन का जो हमारा था, विदाउट टेट्रासाइलिन इन द एनवायरमेंट टू प्रोटेक्ट देम, टेट्रासाइलिन की जरूरत ही नहीं पड़ी एंड द ऑफस्प्रिंग हमारा क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर सकता है। इन वन स्टडी ऑक्सीटेक साइंटिस्ट
रिलीज्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज इनटू द नेबरहुड इन ब्राजील। एक बार ऐसा चीज रेडी की गई ऑक्सीटेक कंपनी के थ्रू ही एंड उन्होंने उसको रिलीज कर दिया ब्राजील में, एक कंट्री में। सस्टेन्ड रिलीज ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर लेड टू अ रिडक्शन ऑफ द लोकल एडीज एगेप्टी पॉपुलेशन बाय 80% टू 95% अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मेजर्स। तो ये आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिला। अगर हम लोगों ने इसी मस्किटो की ये ऑफस्प्रिंग को इस हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, डाई करवाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन किया, जो डेथ थी उसका रेट बताया गया है 95% से फॉल होके वो कितना हुआ 80%। और ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट ऑक्सीटेक कंपनी के थ्रू किया गया, ब्राजील में किया गया। चलेंगे आगे। द साइंटिस्ट चूज डेंसली पॉपुलेटेड नेबरहुड्स फॉर देयर स्टडी। वो ज्यादा पॉपुलेशन वाली जगह को ही चूज करते हैं बिकॉज मॉस्किटो बॉर्न डिजीज आर स्प्रेड मोस्ट इजिली इन एरियाज वेयर लॉट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मॉस्किटोज आर प्रेजेंट। इन चीजों की स्टडी के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए जगह भी, प्लेस भी वही यूज करनी पड़ेगी जहां पे बहुत क्राउड हो, मतलब बहुत सारे लोग हो और बहुत सारे मस्किटोज मतलब मच्छर भी होने चाहिए। सो तभी हम लोगों को उसका बेटर आउटपुट या बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वहां पे पॉपुलेशन ही बहुत कम होगी, हम लोगों को एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं पता चलेगा कि डेथ रेट जो था वो कहां से कहां तक रिड्यूस हुआ। तो इसी एनालिसिस के लिए जो प्लेस चूज की जाती है उसको भी बहुत ध्यान से चूज करना पड़ेगा। दे हाइपोथाइज्ड दैट इफ दे कुड रिड्यूस बोथ द पॉपुलेशन साइज ऑफ द एडीज एगेप्टी मॉस्किटोज एंड द मॉस्किटो पॉपुलेशन डेंसिटी, दे वुड रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन बिकम्स इंफेक्टेड विद अ पैथोजन स्प्रेड बाय दीज मॉस्किटोज। तो अगर ये स्टेप ले लिए जाए तो हमारी जो ये जो चांसेस हैं किसी भी पर्सन के, किसी भी ह्यूमन के पैथोजन के, इसके मॉस्किटो के उसमें इंफेक्शन में आने की, तो वो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। अगर हम उनके संपर्क में, उनके इफेक्ट में ज्यादा नहीं आएंगे तो वहां पे यहां से इनकी बीमारियों के फैलने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑन एन एक्टिविटी दैट शोज हाउ साइंटिस्ट मेजर मॉस्किटो डेंसिटी बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम ऑक्सीटेक साइंटिस्ट is also available on bio interactive website called as tracking genetically modified mosquitoes। इस website पे या इसको भी google search करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से ये चीजें available हो सकती हैं। अब आई होप आप लोगों को ये पैसेज समझ में आया होगा। पैसेज का पूरा मोटिव समझ में आना चाहिए। एग्जैक्टली ये पैसेज हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहा था। क्विक रीडिंग के बाद अब चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेज जस्ट रीड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, What is the tone of the passage? सबसे पहला क्वेश्चन पैसेज की टोन पूछी गई है, तो अनडाउटेडली हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस को रीड करना है। इंफॉर्मेटिव, ह्यूमरस, सार्केस्टिक, एपोलोजेटिक एंड बायस्ड। अब पहली ऑप्शन है मेरी इंफॉर्मेटिव, हालांकि मेरे को मेरा आंसर मिल चुका है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पैसेज था जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज को लेके था। उनकी स्टडी कैसे की जाए, उनकी पैदावार कैसे हो, उनको बनाया कैसे जाता है, किस कंपनी के थ्रू उनकी ब्रीडिंग हो रही है, उनके साथ आगे आगे कहां कैसे एक्सपेरिमेंट किए, तो ये सारी की सारी जानकारी देने वाली जो चीजें हैं वो मेरे को डायरेक्टली इंडिकेट करेंगी कि ये पूरे के पूरे पैसेज की जो टोन है वो खाली मेरी जानकारी को बढ़ाने की है और किसी चीज की नहीं है। बात करूं देखें दूसरी ऑप्शंस को, तो एक बार सबका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। ह्यूमरस एक वर्ड है जिसका मीनिंग है फनी एंड एम्यूजिंग। टिक कर लेंगे जी यहां पे। ह्यूमरस का मतलब है फनी एंड एम्यूजिंग। हर एक का मीनिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट वर्ड है सार्केस्टिक। इसको एक कटाक्ष की फॉर्म में बोला जाता है। सार्केस्टिक एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। अगर आसान भाषा की बात करूं तो मैं इसको यहाँ पे टॉन्टिंग लिख रही हूँ। यहाँ पे किसी भी तरीके का पैसेज में कोई टॉन्ट नहीं था, ना ही कोई फन और कोई मजे वाली बात नहीं थी। रादर मेरे को जानकारी बहुत अच्छे से मिली कि हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी बीमारियों से बचने का क्या इलाज है। आफ्टर दैट एपोलोजेटिक, एपोलोजेटिक है मतलब आप लोगों को माफी वाला है, कुछ हमारे दिमाग में रिग्रेट है, माफी मांगना चाहते हैं, पछतावा हो रहा है, एपोलोजेटिक वर्ड है अपोलॉजी से, अपोलॉजी मतलब माफी। अगला वर्ड है हमारा बायस। बायस हमेशा यूज करता है फेवरेटिज्म की तरफ, लेकिन मेरे को यहाँ पे
कोई भी चीज को लेके फेवरेट किसी पर्सन की बात करूं या किसी थिंग की बात करूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी फेवरेट पर्सन या फेवरेट थिंग की तरफ मैं बायस नहीं थी, और भी बहुत सारी इसमें ऑप्शंस आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी तरफ बायस नहीं थे। एक ही चीज थी, हम लोगों को इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिली, सो दैट इज व्हाई द टोन ऑफ द पैसेजेस इंफॉर्मेटिव। टिक कर लेंगे जी फटाफट से फर्स्ट आंसर। आफ्टर दैट चलेंगे हमारे दूसरे पार्ट पे, दैट सेज मलेरियल फीवर। आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आप लोगों का सही यहाँ पे नहीं है, तो चेक करेंगे जी। सबसे पहला फैक्ट, मलेरियल फीवर इज कॉज्ड बाय अ वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस प्राइमरीली बाय द बाइट ऑफ एडीज एजेप्टी मस्किटोज। जबकि आप लोगों को पता है पहले ही क्वेश्चन में, पहले ही ऑप्शन में मेरे को आंसर मिला, मलेरियल फीवर की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे जीका फीवर की बात की गई थी। सो यस डेफिनेटली आई गॉट माई आंसर इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि मलेरियल फीवर नहीं था, जीका फीवर था। आप लोग एक बार पैसेज को दोबारा रीड करेंगे, वैसे तो अगर एक बार अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं तो बार बार उसको रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जीका फीवर था, सो डेफिनेटली ये चीज गलत है। सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन को भी रीड कर लेंगे, द फ्लोरसेंस जीन इज यूज टू आइडेंटिफाई जीएम मस्किटोज, बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। द लिथालिटी जीन विच इज मोर एक्यूरेटली कॉल्ड टेट्रासाइलिन ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर वेरिएंट एनकोड्स अ प्रोटीन दैट ब्लॉक्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेवरल अदर जीन्स दैट आर असेंशियल टू मस्किटो डेवलपमेंट, ये भी सही है। ऑक्सीटेक साइंटिस्ट रिलीज्ड जीएम मस्किटोज इनटू द नेबरहुड इन ब्राजील, बिल्कुल उन्होंने ब्राजील में ही उन लोगों को रिलीज किया था। एंड फिफ्थ इज नन ऑफ दीज, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले ही ऑप्शन से मेरे को समझ में आ गया था कि जो मेरा आंसर है दैट इज ए। फर्स्ट क्वेश्चन ए आंसर, सेकंड क्वेश्चन ए आंसर। चलेंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट ट्राई टू रीड द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आप लोगों को रनिंग पैसेज में भी बताया था, ट्रांसक्रिप्शन वर्ड को दो या तीन बार जब यूज किया गया तो तभी समझ जाना चाहिए इस वर्ड की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, और अगर उसकी इंपॉर्टेंस है तो हमें समझ आएगा कि ये इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है, एविडेंस का काम है, वेरिएशन का काम है या इंडक्शन का काम है, तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इसका स्टूडेंट्स जो सही आंसर है दैट इज एविडेंस। मैंने पहले भी बताया था ट्रांसक्रिप्शन किसी भी तरीके की कॉपी को बोला जाएगा, कॉपी बोल ले एविडेंस या किसी भी तरीके का सबूत बोल ले, सो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन एविडेंस है। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग भी लिख सकते हैं, बेसिकली ये किसी एक्ट को, किसी प्रोसेस को या किसी इंस्टेंस को, किसी भी इंस्टेंस को डिस्क्राइब करने का काम करेगा। तो यहाँ पे इसको अरेंजमेंट की जैसे बात कर लें, मान लीजिए मैं किसी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, तो डेफिनेटली वो भी मेरे पास क्या होगा, एक एविडेंस होगा या ट्रांसक्रिप्शन होगी। मार्क कर लेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, एविडेंस इज द राइट आंसर। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन, Which of these is an antonym to the word sustained given in the passage? एक वर्ड था सस्टेन्ड, हालांकि हम लोगों को उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सस्टेन्ड अपने आप में मीनिंग है, मतलब जो अपनी लेंथ को या किसी भी चीज को मेंटेन करेगा विदाउट इंटरप्शन और विदाउट वीकनिंग, कमजोर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को सस्टेन्ड का ही मतलब पता होना चाहिए था। सस्टेन्ड का मतलब लिख लेंगे लास्टिंग या प्रोलोंग्ड। अगर इसका मीनिंग लिखना है लिखेंगे जी लास्टिंग या प्रोलॉन्ग्ड, जो लंबे समय तक टिका रहेगा, कमजोर नहीं पड़ेगा, अपनी लेंथ को मेंटेन कर ले, किसी भी प्रोसेस को मेंटेन करेगा, लेकिन जिस भी वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में सस्टेन्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो किसी चीज की लेंथ हो, चाहे वो किसी प्रोसेस को लेके हो, लेकिन वो लंबा चलेगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, लास्टिंग होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ऑप्शंस को चेक करेंगे, नरिश्ड। नरिश्ड मतलब है किसी चीज की ग्रोथ को प्रमोट करना, राइट डाउन टू प्रमोट द ग्रोथ, टू प्रमोट द ग्रोथ, किसी ग्रोथ को प्रमोट करना। अगला हमारा वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक जो एक वर्ड है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्पोरेडिक का जो जनरल मीनिंग है दैट इज जस्ट के वो चीज जो है अपने आप में इरेगुलर इंस्टांसेस पे होगी, मतलब वो कंटिन्यूटी में नहीं होगी, कभी है कभी नहीं है, इरेगुलर इंस्टांस। चलिए इरेगुलर इंस्टांसेस,
जैसे मैंने बोला कोई स्कूल है वहां पे जो बेल है वो बेल बजेगी या घंटी बजेगी रेगुलर टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लंबी चलती रहेगी, कभी वो है कभी वो नहीं है। कोई भी चीज हो जो इरेगुलर इंस्टांस पे हो दैट इज कॉल्ड एज स्पोरैडिक। आफ्टर दैट बैक का मतलब पीछे, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब जब हम लोग किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं या शो करते हैं रिलीफ का साइन कि हम लोगों को बड़ी शांति मिली, रिलीव्ड का मतलब लिख लेंगे शोइंग द साइन ऑफ रिलीफ, संतुष्टि या शांति हमारे मन को मिली इस चीज को रिलीव करके। चलिए लिख लेंगे, एग्जामिनेशन के बाद हमारे दिमाग से टेंशन खत्म हो जाती है, दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रिलीफ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर था दैट इज स्पोरैडिक, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी में इंटरवल्स थे और वहां पे ब्रेकअप में थे। फोर्थ क्वेश्चन बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से रीड कर लेंगे। विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक गिवन इन द पैसेज। द फ्लोरसेंस जीन इज यूज टू, यहाँ पे हमारे पास टू डैश, यहाँ पे डैश था वो नहीं है, मैं मेंशन कर रही हूँ टू डैश जीएम मस्किटोज। जो हमारे पास फ्लोरसेंस है वो फ्लोरसेंस जीन है, वो क्या करेगी जीएम मस्किटोज को? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मॉलिफाई एंड आफ्टर दैट क्वांटिफाई, डेंटिफाई, रेक्टिफाई, नो वर्ड रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ड, हमारी ऑप्शन आनी चाहिए दैट इज आइडेंटिफाई। यहाँ पे डेंटिफाई नहीं है, आइडेंटिफाई है, करेक्ट कर लेंगे। आई डी ई एन टी आई एफ वाई, आइडेंटिफाई मतलब किसी भी चीज को क्या करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो फ्लोरसेंस जीन है वो हम लोगों को मिलवाता है, आइडेंटिफाई करवाता है किससे, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो से। सो यहाँ पे आइडेंटिफाई इज द, इंट्रोड्यूस करवाना दैट इज द राइट फ्रेज, टिक कर लेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल टाइटल फॉर पैसेज। वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी बताया था उसके मूड को देख के टाइटल को जरूर पूछा जाता है। मस्किटोज एंड जीका वायरस, आफ्टर दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज, सिम्टम्स ऑफ मस्किटो बोन डिजीज, जबकि ऐसा तो कोई सिम्टम बताया भी नहीं गया। कनेक्शन बिटवीन ब्राजील एंड मस्किटोज, मस्किटोज एंड जीका वायरस, नन ऑफ दीज गलत है। एक ही आंसर बनेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज, क्लियरली पता चलता है क्योंकि जीएम मस्किटोज जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज के बारे में ही बताया गया। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन, यहां से आई गेस आप लोगों को बहुत अच्छे से एक आइडिया मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा। पूरे पैसेज को रीड करेंगे, जल्दी जल्दी से उसका फील ले लेंगे। आई नो दैट वेरी वेल कि बहुत बार ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स हम लोगों को नहीं क्लियर होते, बट नॉट टू वरी, जस्ट गो विद द फ्लो। आप लोग एक बार पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, उसका फील समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड योर आंसर्स। और ये कुछ एंटोनिम या सिनोनिम वाला पार्ट है जहां पे आप लोगों को डेफिनेटली फोकस करना पड़ता है, अपना वो कैब अच्छा खासा रखना पड़ता है, क्योंकि वर्ड्स के आंसर्स तक तभी आप लोग जा पाएंगे अगर हर एक का मीनिंग बहुत अच्छे से पता होगा। रेस्ट इट इज अप टू यू, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, पेपर का लेवल, क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं, बहुत हाई लेवल के हैं, पैसेज का लेवल डिपेंड करेगा, बहुत इजी वर्डिंग है या बहुत कॉम्प्लेक्स वर्डिंग है, वो कैप के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। सो नॉट टू वरी, टेक्निक हमेशा सेम रहेगी। सो इसी टेक्निक के साथ इस कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन रिवाइज ऑल योर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।